इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस केरला। केरला फेमस है अपनी यूनिक ज्योग्राफी के लिए, जहां पर आप बीचेस, ब्लैक वाटर लेक्स, हाउस बोट्स, माउंटेन्स, टी गार्डन, स्पाइस गार्डन, वाइल्ड लाइफ, कथकली डांस और लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। केरला को लैंड ऑफ गॉड, लैंड ऑफ स्पाइसेस और लैंड ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको केरला के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि केरला कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा केरला घूमने का। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप केरला का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केरला साउथ इंडिया का स्टेट है और इसकी कैपिटल त्रिवेंद्रम है। केरला में मलयालम लैंग्वेज चलती है और हिंदी यहाँ पर लोग कम ही समझते हैं, सो लैंग्वेज प्रॉब्लम केरला में थोड़ी आ सकती है। वैसे यहाँ के लोग इंग्लिश समझते हैं, सो आप उससे काम चला सकते हैं। केरला में घूमने की बहुत सी प्लेसेस हैं, सो केरला घूमने के लिए आपको 7 से 10 दिन चाहिए होते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो सितंबर टू मार्च बेस्ट टाइम रहता है केरला घूमने का। इस टाइम पर आपको ह्यूमिडिटी और गर्मी केरला में कम मिलती है। केरला आने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है कोची। कोची को एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है। कोची आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस से आ सकते हैं। कोची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ की फ़्लाइट लेकर आप कोची आ सकते हैं। सभी मेट्रो सिटी से आपको कोची की फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। बस से आप आना चाहें तो हैदराबाद और बेंगलोर से आपको कोची के लिए बस मिल जाएगी, उससे भी आप कोची पहुंच सकते हैं। डे वन पर आप कोची पहुंचकर कोची में ही स्टे करें और वहां की टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करें। होटल कोची में आप नियर रेलवे स्टेशन, कोची मार्केट या फिर नियर बीच भी ले सकते हैं। एवरेज होटल आपको 1500 से 3000 की रेंज में मिल जाएगा। कोची में आप चेरई बीच, कोची मार्केट, मरीन ड्राइव, फोर्ट कोची एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे टू पर आप कोची से मुनार जा सकते हैं। कोची से मुनार की दूरी 126 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 4 घंटे का समय लगता है। मुनार से कोची आप बाय बस, टैक्सी या फिर कार रेंट पर लेकर भी जा सकते हैं, जिसमें कोची टू मुनार बस का फेयर 200 रुपये, टैक्सी का फेयर 3500 से 4000 रुपये और अगर आप कार रेंट पर लेना चाहें तो 2000 से 5000 रुपये पर डे कॉस्ट आ सकती है। कार के रेट एज पर कार ब्रांड डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मुनार में घूमने की काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, सो मुनार में आप 2 दिन का स्टे कर सकते हैं। मुनार में होटल आपको 1500 से 3000 की रेंज में मिल जाएगा। मुनार में आप सबसे पहले जा सकते हैं अतुकल वाटरफॉल, जो कि सबसे फेमस वाटरफॉल है मुनार का। उसके बाद आप जा सकते हैं टाटा टी म्यूज़ियम, जहां पर आप टी गार्डन के साथ साथ टी प्लांटेशन कैसे इंडिया में आई, कैसे टी प्लांटेशन केरला में लेकर आए, टी हिस्ट्री, टी मेकिंग के बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद आप अरविकुलम नेशनल पार्क जा सकते हैं। इस नेशनल पार्क को घूमने की एंट्री फीस 125 रुपये रहती है। यहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप मट्टुपेट्टी डैम जा सकते हैं। डे टू पर आप ब्लॉसम पार्क, इको पॉइंट, पोथुमेडु व्यू पॉइंट, कुंडाला लेक, क्रैमलगिरी एलिफेंट नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे फोर पर आप मुनार से थेकड़ी घूमने के लिए जा सकते हैं। मुनार से थेकड़ी का डिस्टेंस 92 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 3 घंटे का समय लगता है। थेकड़ी में भी आप 2 दिन का स्टे कर सकते हैं। होटल आपको वही 1500 से 3000 की रेंज में मिल जाएगा। थेकड़ी में आप पेरिया नेशनल पार्क घूमने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और सुंदर सा नेशनल पार्क बना हुआ है। यहाँ पर आप पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरिया टाइगर रिजर्व, पेरिया लेक घूम सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग, एलिफेंट राइड, बैम्बू राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि इसे घूमने के लिए आपको
एक पूरा दिन चाहिए होता है। यहाँ का नेचुरल ब्यूटी और सीनिक व्यू इतना अच्छा है कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। पेरियार नेशनल पार्क की एंट्रेंस फीस 50 रुपये, बोटिंग के चार्जेस 300 रुपये और बैम्बू राफ्टिंग के चार्जेस 1500 रुपये तक रहते हैं। और आप यहाँ पर बोट, क्रूज सफारी इन पेरियार लेक और जीप सफारी भी कर सकते हैं। डे 5 पर आप थेकड़ी में स्पाइस गार्डन, मुद्रा कल्चर सेंटर, थेकड़ी लेक और लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 6 पर आप थेकड़ी से एल्पाई घूमने जा सकते हैं, जो कि केरला की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। थेकड़ी से एल्पाई की दूरी 150 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 4.5 से 5 घंटे का समय लगता है। एल्पाई में आप हाउस बोट स्टे कर सकते हैं, जो कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। प्राइवेट हाउस बोट वन डे स्टे का प्राइस आपका 7,000 से 10,000 रुपये तक रहता है, जिसमें आपको प्राइवेट हाउस बोट, लॉबी डाइनिंग, एसी बेडरूम, अटैच बाथरूम, प्राइवेट अपर डेक और फूड इंक्लूड रहता है। सो अगर हाउस बोट आपके बजट में है तो आप हाउस बोट ले सकते हैं, अदरवाइज आप होटल में भी स्टे कर सकते हैं या फिर आप शेयर्ड हाउस बोट में डे टूर भी कर सकते हैं, जिसमें आप 2 से 3 हज़ार रुपये में 5 से 6 घंटे हाउस बोट में घूम सकते हैं और लंच इंजॉय कर सकते हैं। डे 7 पर आप अल्पाई में स्नेक बोट राइड, मरारी बीच, एलिफेंट ट्रेनिंग कैंप, कृष्णापुरम पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एल्पाई में अपना केरला का ट्रिप एंड कर वापस कोची और कोची से अपनी सिटी जा सकते हैं, जिससे कि आपका 7 डेज का केरला का ट्रिप रहेगा। या फिर आपके पास डेज ज़्यादा हैं तो आप एल्पाई से अपना ट्रिप कंटिन्यू करके त्रिवेंद्रम जा सकते हैं। त्रिवेंद्रम केरला की कैपिटल है और बहुत ही सुंदर सिटी है। यहाँ पर भी घूमने की काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एल्पाई से त्रिवेंद्रम की दूरी 150 किलोमीटर है और 4 घंटे का समय आपको लगता है। त्रिवेंद्रम में भी आप अपना 2 दिन का स्टे कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप डे 8 पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर विजिट करने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। उसके बाद आप कोवलम बीच, अतकुल टेंपल, लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 9 पर आप त्रिवेंद्रपुरम जू, लाइट हाउस, शंगुमुखम बीच, गणपति टेंपल, प्लेनेटेरियम, हवा बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डे 10 पर आप केरला का ट्रिप एंड कर अपनी रिटर्न जर्नी कर सकते हैं। त्रिवेंद्रम में रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ही हैं, सो त्रिवेंद्रम से आप अपनी रिटर्न जर्नी कर सकते हैं। उसके लिए आपको वापस कोची जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आप अपना केरला का 10 डेज का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। फूड की बात करें तो केरला में आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। मोस्टली आपको साउथ इंडियन और सी फूड केरला में खाने को मिलेगा। नॉर्थ इंडियन फूड के भी लिमिटेड ऑप्शन आपको केरला में मिल जाएंगे और जगह जगह आपको नारियल पानी पीने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं बजट की। सो केरला 10 दिन घूमने का बजट आपका अराउंड 40,000 रुपये पर 2 एडल्ट रहेगा। सो 20,000 रुपये पर पर्सन कॉस्ट आपकी आएगी, जिसमें आपका होटल का खर्चा 18,000 रुपये, साइट सींग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 12,000 रुपये और मील्स का खर्चा 8,000 रुपये पर 2 एडल्ट तक रहेगा। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर अपना केरला का ट्रिप प्लान कर सकते हैं और आप अपना ट्रिप अपने डेज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कम डेज हैं तो 1-2 जगहें आप स्किप कर सकते हैं, उससे आपका बजट भी कम रहेगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।